brain. बहुत अच्छे कुक। ओप्स। ये गेम बोरिंग है और कुक मेरी तरफ बॉल नहीं फेंकता। जिसे तुम मेरी फेंकी हुई बॉल पकड़ ही लोगी ना। कम ऑन कुक, अब बॉल को तुम्हारी सिस्टर की तरफ फेंको। फाइन, मैं भी तुम इसे पकड़ सकोगी। नाइस थ्रो। वाओ, क्या थ्रो था। तुम वो बॉल लेकर आओगे बेटा? पर वो आओ, मेरी सिली बहन। ओ, मेरा सिर। बस यही बाकी था, बस यही होना बाकी था। ओ, मेरा शू। थैंक्स अ लॉट मिली। ओ, तो तुम वहां हो। शांत हो जाओ। आखिर बात क्या है और तुम्हारा शू कहाँ है? बॉल कहाँ पर है? एविल बाल वाला गटर का चूहा। हॉरिबल, बिना बाल वाली आंखें। ओह, मिली। उसने उसे पकड़ लिया। उसने? डैडी, लुक लुक, मुझे क्या मिला? है ना ये पूरे वर्ल्ड में सबसे क्यूटेस्ट किटी। एक मिनट, क्या ये कैट है? ओह, क्या मैं इसे रख लूं डैडी? ओह प्लीज, क्या मैं बोले ना प्लीज? हाँ डैडी। इसके गले में तो कॉलर है हनी, लगता है ये किसी की पेट है। हाँ, किसी अगली आदमी की अगली कैट। सॉरी मिली, पर हम इस बिल्ली को यहाँ नहीं रख सकते, हमें इसके ओनर को ढूंढना होगा। All right, हम इसके ओनर को नहीं ढूंढ पाए तो हम इसे रख लेंगे। Thanks, Daddy. और ये रही तुम्हारी बॉल। Wow, मेरी नॉकली विल चेरा जैसा इसके टीम ने साइन की हुई बॉल, मेरी बॉल। सन, इसके बारे में सोचना भी मत। पर मेरी बॉल का क्या होगा? मुझे उसे वापस लाना होगा। तुम ये अच्छी तरह जानते हो बेटे, जो कोई भी कभी भी उस ओल्ड लेडी मनसन की यार्ड में जाता है वो फिर कभी दिखाई नहीं देता, और आज मैं उससे मिलने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। जरा रुको किटी, हो गया। लग रहे हो ना बिल्कुल हीरो। तुम्हें बहुत भूख लगी होगी ना? That's better. हाँ, मैंने इसके लिए बहुत सारे पोस्टर्स बनाए हैं जो मैं हर जगह लगाऊंगा। I've decided, मैं इसे बुलाऊंगी मिस्टर कैट। ग्रेट नेम, पर यहाँ ज्यादा कंफर्टेबल होने की जरूरत नहीं है मिस्टर कैट, मैं तुम्हारे ओनर को ढूंढ निकालूंगा। मैं और मिस्टर कैट तुम्हारी हेल्प करें? Sure. Awesome. Come on, मिस्टर कैट। हो गया। क्या बात है? फाइनली हमारा इस गंजे स्क्विरल से पीछा छूटेगा। क्या तुम्हारे पास मेरी किटी है? हाँ बिल्कुल, ये रहा। मम्मी। Too bad, so sad. तुम्हें एक कैट मिला है, मेरा डॉगी भूखा है। तुम इसे पूरा निगल सकते हो।
सिस्टर। सॉरी सन, पर लगता है हमें मिस्टर कैट को रखना ही होगा। Awesome! थैंक यू डैडी। मैं इसका बहुत ख्याल रखूंगी। मैं इसे खिलाऊंगी, पिलाऊंगी, नहलाऊंगी। इस लड़की ने तो मेरे कान ही फाड़ दिए। मैं तो इसे यहाँ से निकाल कर ही रहूंगा। चलो देखते हैं तुम्हारे ओनर का नाम क्या है। वाओ, ये तो काफी वियर्ड कॉलर है। तुम इस कैट को बहुत हेट करते हो, है ना कुब? तुमने इस कॉलर को इस तरह डिस्ट्रॉय कैसे किया? और ये बताओ, ऐसा करने के लिए तुम्हारे पास पटाखे कहाँ से आए? I told you dad, वो खुद ही फट गया। हाँ, चलो अब इसे फटाफट साफ करो और आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। कैट, गुड बॉय ग्राउलर। देखे तो ये क्या है? आओ मेरे बच्चे। ओह मैन, अब मेरा लकी बेसबॉल भी चला गया। आहा, तो ये सारा सामान यहाँ पर रखती है। मिस्टर कैट, दैट्स अ ग्रेट आइडिया। हम एनिमल गेम्स खेलेंगे। जरा संभल के मिस्टर कैट, इस गार्डन में दिखने वाली सारी चीजें डेंजरस हो सकती हैं। ये कूप तो हमेशा मुसीबत को ही बुलाता है। Holy moly! चोर, चोर! हटो! Oh, hello, Millie! ये तुम्हारे पास कौन है देखे तो? हेलो मिसेस मानसन, ये है मेरा प्यारा कैट मिस्टर कैट। वेल मिस्टर कैट तो बहुत अच्छा है मिली। काश मैं तुम्हारे नास्टी ब्रदर के बारे में यही कह पाती। ओह, ये दोनों तो एक जैसे हैं और इनकी आगे किसी के भी कुछ नहीं चलती। तुम्हारा बेटा बिल्कुल तुम से गया है। हो कूप, आखिर बात क्या है? मिस्टर कैट मेरे पीछे पड़ा है। लुक, उसने प्लान ड्रॉ करके रखा है। I'm dead. Don't be silly. मिस्टर कैट ड्रॉ नहीं कर सकता। He's a cat. ये कोई कैट नहीं है, ये तो कोई एलियन। कूप, पहले तुमने बैकयार्ड में होल बना दिया, फिर तुम उस ओल्ड लेडी मनसन के यार्ड में घुस गए और अब ये। पता नहीं मैं तुम्हारा क्या करूं कूप, पर जाओ अपने रूम में। तुम्हें क्या लगता है ग्राउलर, अलोयशियस को आज थोड़ी सी ताजी हवा में रखें? नो, मुझे नहीं लगता। वो और सर स्क्रैचर पे एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। शायद उन्हें टॉम टॉडल्स के साथ रहना चाहिए। टॉम टॉडल्स चला गया? क्या तुम्हारा भाई उठ गया? वो तो अभी भी सो रहा है। Well, I hope उसने डिसाइड किया हो। और ऑलरेडी मानसन, मैं देखती हूँ। मिली, ना! तुम तो यहाँ हो मिस्टर कैट, तुम अब तक क्या कर रहे थे? तुम्हारे प्यारे लाडले बेटे ने मेरे रूम से टॉयज चुराया है और टॉम टॉडल्स को किडनैप किया है। कूप कभी ऐसा नहीं कर सकता। मैंने उसके फुटप्रिंट्स फॉलो किए हैं। ओ, पर ये तो सिर्फ लेफ्ट फीट के हैं। हटो,
हम उसे खुद ही ढूंढ लेंगे। टॉम टॉडल्स, तुम कहाँ हो टॉम टॉडल्स? टॉम टॉडल्स, ये क्या? कूप, तुम छुप नहीं सकते। कूप, क्या तुम, क्या ये, क्या? ये मैंने नहीं किया, I swear. मेरे शेड से चुराए हुए सारे टॉयज कहाँ हैं? क्या? मैंने आपके शेड से कुछ भी नहीं चुराया। टॉम टॉडल्स, सिर्फ टॉय चोर ही नहीं, बल्कि टॉडल्स नापर भी। तुमसे तो मैं बाद में निपटता हूँ। मैं इसके बारे में उसे जरूर समझाऊंगा। अब तो डैडी तुम्हें कहीं अडॉप्शन के लिए दे देंगे। यू, आई डोंट नो ये सब तुम कैसे कर रहे हो। माय शू, तो तुमने ये चाल ऐसे चली हाँ? वेल, तो अब मैं भी मुकाबले के लिए तैयार हूँ। तुमने जो किया उसके लिए तुम बहुत पछताओगे। क्या कोई है जो मुझे यहाँ से नीचे उतारेगा? है कोई? किसी ने मेरी बुक रिपोर्ट देखी है? मुझे स्कूल में सबमिट करनी है और मुझे मिल नहीं रही। शायद ये अच्छा आइडिया नहीं था। मैं सच कह रहा हूँ डेनिस, जब से वो कैट आया है तब से मेरे साथ कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है। लर्न, हार्ली, तुम लोग कर क्या रहे हो? डूड, हम एक हॉरर मूवी बना रहे हैं। द सबर्बन ब्रीड, खूनी शैतान। वो, हम हॉरर मूवीज को एक नई पहचान देंगे। या, जो होगी एकदम विकेट ऑसम। हम इसे गैसली ग्रिव्स को भेजेंगे, जो इसे अपने टीवी शो पर जरूर दिखाएगा। डूड, तुम क्या कह रहे हो? मुझे सुनाई नहीं दे रहा। गैसली ग्रिव्स कौन है? गैसली ग्रेव्स, गोस्ट कैसल का होस्ट, आज तक का सबसे डरावना शो, जो मिडनाइट शो में आता है, जो नॉर्मली बेबीज के लिए सोने का टाइम होता है। अगर डर ना लगे तो आज देखना चैनल 9 पर मिडनाइट को। हम किसी से नहीं डरते। सिर्फ स्पाइडर्स को छोड़कर अंधेरे से, ओल्ड लेडी मंसन से, कैंडी एप्पल से, वेयरवुल्फ से, डबल डेकर बस से। हाँ, मुझे नहीं लगता मैं इसे पूरा देख पाऊंगा। कूप, डेनिस, अगर हमने ये मूवी नहीं देखी तो सब लोग हमें डरपोक कहेंगे। तो व्यूअर्स, आज रात देखना ना भूले एक स्कैरी स्टोरी चैनल 9 पर। यीश, ये तो सिर्फ एक कमर्शियल है। शी इज राइट, हमें डरने की जरूरत नहीं है डेनिस। आज रात के क्रिएचर फीचर के लिए आप वोट कर सकते हैं। क्या वो ज़ॉम्बी कैट फ्लेश ईटर्स होगा, अटैक ऑफ द मेगा लीचेस, और वैम्पायर रोलर डर्बी? इनमें से कोई भी नहीं। आई थिंक मुझे मेरी मॉम बुला रही है। बाय कूप, सी यू डेनिस। कॉल 555010 राइट नाउ। मैं ये कर सकता हूँ। आई कैन डू दिस। हर कॉल के लगेंगे सिर्फ 79 सेंट्स, और आप कितनी भी बार वोट कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, अभी कॉल कीजिए। वोट करने के लिए सिर्फ 5 आवर्स बचे हैं। 5 आवर्स फ्रॉम नाउ, ये तो रात के 12 बज जाएंगे। डैड मुझे तब तक जागने देंगे? कल स्कूल है। डैड तुम्हें ऐसी डम मूवी के लिए जागने नहीं देंगे। ओ ये, तो फिर मैं उन्हें मनाने के लिए अपनी जादुई पावर्स यूज करूंगा। No, but, ये तो आधी रात को है। सुबह तुम्हारा स्कूल है। ये सब देखोगे तुम्हें नाइट में आएंगे। तुम्हें और कुछ सुनना है? No. मैंने कहा था ना।
सारे वोट्स काउंट कर लिए गए हैं। बहुत बड़े मार्जिन से ये विजेता जीता है। 96,000 से भी ज्यादा कॉल्स आए हैं। आज के विनर हैं ज़ॉम्बी कैट फ्लैश ईटर्स। मैं डैड को बता दूंगी। तुम चुप रहने का क्या लोगी? वेल, तुम पूरे महीने मिस्टर कैट का लिटर बॉक्स साफ करोगे और तुम्हारा फन स्टेशन 2000 गेम। फन स्टेशन नहीं, मेरा कैप्टन ब्लास्टरॉइड एक्शन फिगर कैसा रहेगा? 3 weeks की लिटर बॉक्स ड्यूटी। 2 weeks? 2 weeks 3 दिन और 12 घंटे, नहीं तो मैं डैड को अभी बुलाती हूँ। डील। ओके, अपने बैड ड्रीम्स एंजॉय करना। कम ऑन मिस्टर कैट, सोने का टाइम हो गया। ज़ॉम्बी कैट। ओ दूर हटो। क्या वो क्या था? डैड! मैं बिल्कुल डरपोक नहीं हूँ। डरो मत, वो सिर्फ एक मूवी थी। शायद मेरा इमेजिनेशन था। आई थिंक सिर्फ हवा का झोंका था। ज़ॉम्बी कैट है, बिल्कुल वही मूवी की तरह। डेनिस, तुम कौन हो? अपनी पहचान तो बताओ, मुझे कोड वर्ड में बताना। कम ऑन, जल्दी बताओ। बिग डिपर टू पैनकेक ईटर, स्पीक अप पैनकेक ईटर। बहुत डरावनी मूवी थी, है ना? ओवर। मूवी को भूल जाओ। लुक, मैंने अभी तक सिर्फ एक ही ज़ॉम्बी कैट देखी है, पर लगता है कि उनका पूरा गैंग है। ओवर। एक ज़ॉम्बी कैट आसपास की सभी कैट्स को इन्फेक्ट कर सकती है। ओवर। ये शायद उसने मिली की कैट को भी इन्फेक्ट किया है। ओवर। वो कहाँ है? क्या? कौन? मिस्टर कैट। वो तो मेरे साथ इधर है। ओके केरी, अब तुम्हारी कॉस्ट्यूम पार्टी खत्म हुई। उसे बिल्कुल मत उठाना। जब से तुमने उसे वो डरावनी मूवी दिखाई है, वो ठीक से सो नहीं पा रहा है। वो यहाँ पूरी रात था? ऑफ कोर्स, पूरी रात। क्या वो तुम अगर डेंजरस फ्लैश हिटिंग ज़ॉम्बी कैट मॉन्स्टर नहीं हुई ना तो वाओ, मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। यहाँ पर सिर्फ एक कैट नहीं, पूरी की पूरी आर्मी है और वो सारी मेरे पीछे है। कूप,
तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है ज़ॉम्बी कैट को डिस्ट्रॉय करने के लिए? जैसा मूवी में बताया था, उसके काले दिल पर एक लकड़ी के टुकड़े से मार, या उसका मुंह गार्लिक से भर दो, इस तरह उसका सर एक्सप्लोड हो जाएगा। जहाँ से आए हो वही वापस चले जाओ, यू हार्टलेस बोगी कैट। अब गार्लिक खाओ एविल कैट। तुमने वो हॉरर मूवी देखी है ना? मैंने कितनी बार फोन किया? 96,840 times. अरे कॉल का कितना हुआ? मैं देखता हूँ। Hey Dennis, तुम कैसे हो? Look, it's zombie cat boy. ये सब क्या हो रहा है? कल रात क्या परफॉर्मेंस थी कूप? मूवी से भी ज्यादा अच्छी। खुद ही देख लो। अब मैं उस कैट को नहीं छोड़ूंगा। कूप, तुमने कल रात मिस्टर कैट के साथ क्या किया? वो पूरा मिट्टी से मैला है। You're right, मिली, उसे नहलाने की जरूरत है। क्यों ना तुम उसे नहला दो? गुड आइडिया कूप। इसके बाद तुम एकदम साफ हो जाओगे मिस्टर कैट। जरा इस भीगी बिल्ली को तो देखो,